नई संसद और रिकॉर्ड हाई एमपीज का निलंबन, इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन, निर्माण से लेकर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और मणिपुर में हिंसा तक, बीते साल पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। 2023 की कौन सी राजनीतिक कहानियां वास्तव में मायने रखती है? पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह का विरोध किया। 2023 की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर खिलाड़ियों द्वारा यौन शोषण के गंभीर आरोपों से हुई। टुडे इन द कंट्री जो घरों पे जब वो टेस्टिमोनी देती हैं तो घरों पे लोग जाके पूछ रहे हैं सरकार के कि क्यों लड़कियों को भेज रहे हो। जब तक ये सत्ता पे बैठे हुए हैं तो ऐसे उदाहरण है, हमारे यहाँ पे 16 साल की टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा, उसको उसने आवाज उठाई थी वहाँ के जो अध्यक्ष थे संघ के उनके खिलाफ, उस लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उसके परिवार को उजाड़ दिया गया। क्या तुम्हें पता नहीं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाली है? लेकिन जहाँ तक संसद का सवाल है, बृजभूषण आज भी सांसद है। संसद के कामकाज का सवाल है तो ये एक हंगामेदार वर्ष रहा, जिसकी शुरुआत व्यवधान से भरे बजट सत्र से हुई, जिसमें सरकार के लिए कामकाज में बताया गया दूसरे सबसे कम समय का सत्र रहा। नई संसद, सांसदों का निलंबन और 146 सांसद निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में 888 सीटों की विस्तारित क्षमता के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया। राज्यसभा कक्ष को भी 250 सीटों से बढ़ाकर 384 सीटों तक कर दिया गया। निर्माण पर अनुमानित 1200 करोड़ रुपए की लागत आई, हालांकि सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद का उद्घाटन करने और राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करने पर दोनों सदनों में 242 सांसदों वाले 20 विपक्षी दलों द्वारा उद्घाटन का भी बहिष्कार किया गया था। सितंबर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इसने राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, अरब खाड़ी और अरब राज्य यूरोपीय संघ को जोड़ने वाला एक व्यापक रेल और शिपिंग कनेक्टिविटी नेटवर्क की भी घोषणा की गई। लेकिन दूसरी खबर में क्या है? ये भी नया चीज आ गया है कि हाँ, पहले तोड़ो बाद में रिहैबिलिटेशन का देखेंगे, तो ये जो है वो अलग ही चल रहा है। आज गरीबी नहीं भगाई जा रही, गरीबों को मार दिया जा रहा, दफना दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे घर तोड़े जा रहे हैं उनमें हमें दफना दिया गया है। क्यों? कि आज ना तो हमारे पास कहीं पर रहने का कोई साधन है, ना कोई रोजगार का। क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हमारे वोटर आईडी बनाते हो, हमारे आधार कार्ड बनाते हो, हम इसे वोट लेके हम जीत जाते हो, फिर हमें वहां से हटा देते हो, क्यों? G20 अब इलेक्शन 2024 में आने वाला है, G20 सितंबर में खत्म हो जाएगा, फिर नेता लोग अपनी अपनी जगह पे घूमने लगेंगे, कोई नहीं तुम्हें भगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, फिर वोट लेंगे, फिर वो हमारे साथ हाल होगा। इस साल 9 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 5 में सरकार बदल गई, जबकि भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की, कांग्रेस ने 2 में जीत हासिल की, जबकि क्षेत्रीय दलों ने शेष 3 में जीत हासिल की। मणिपुर हिंसा, 7 महीने 175 मौतें। 3 मई के बाद से मणिपुर कुकी, एक जनजातीय समूह जो कि बड़े पैमाने पर ईसाई हैं और प्रमुख मैतेई जो ज्यादातर हिंदू हैं, उनके बीच में एक जातीय हिंसा उत्पन्न हुई। आदिवासी दर्जे की मैतेई मांग को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जिसका कुकी ने डर के कारण विरोध किया। इससे सरकार और समाज में उनका प्रभाव बढ़ा या बढ़ेगा? उन्हें कुकी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में जमीन खरीदने और कुकीज के लिए आरक्षित नौकरियों में हिस्सा पाने की अनुमति मिलेगी, ऐसी उनकी मांग रही। लेकिन शीत सत्र के आते आते ये मुद्दा भी गायब रहा। बिहार सरकार ने जारी किया जाति सर्वे। एक मुद्दा जो लोकसभा चुनाव में भूमिका निभा सकता है वो है जाति जनगणना, जबकि विपक्ष के कुछ सदस्य वर्ष की पहली छमाही से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बहस वास्तव में अक्टूबर में शुरू हुई, जब बिहार सरकार ने एक जाति सर्वेक्षण जारी किया, जिसमें आबादी का 63% पिछड़ा वर्ग को बताया गया। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कई मौलिक फैसले तो लिए ही, जिनमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले बरकरार रखना शामिल रहा। खैर, ये तो थे 2023 के हाइलाइट्स। आपको क्या लगता है? आप अगर सोचते हैं कि कोई और खबर हमसे छूट गई तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।